चलिए आज बनाते हैं पोहा कटलेट। तो मैंने ये नॉर्मल पोहा ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको नरम कर लेंगे, इस तरह से मिला मिला के इसको नरम कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको नरम गूंथ लेंगे। देखिए पोहे को मैंने नरम कर लिया है। अब एक छोटा प्याज ली हूँ, इसको बारीक बारीक काट ली हूँ। थोड़े से गाजर ली हूँ, इसको भी मैं घस ली हूँ। कुछ मटर ली हूँ, एक हरी मिर्च और दो उबले आलू। अब कुछ इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। उसका भुना हुआ जीरा है ये, इसका मैंने पाउडर बना लिया है, वो डाल देंगे एक चम्मच। और थोड़े से गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो इसमें आप गरम मसाला अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम एक शेप दे देंगे। तो शेप आप अपने मन का जैसा है, आपकी इच्छा वैसे आप दे सकती हैं। मैं लंबा दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे गोलाकार भी दे सकती हैं, गोलाकार भी दे सकती हैं। जैसी आपकी शेप देने की इच्छा वैसे आप दे सकते हैं। इस तरह से आप गोलाकार भी दे सकते हैं। तो मैंने कटलेट बना लिया, अब इसे फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, ये सरसों तेल है। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। जब तेल गरम हो जाएगी मीडियम, तब इसमें डाल देंगे इस तरह से। और इसे मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। इसे ब्राउन होने तक तल लेंगे ऊपर नीचे करके। तो लीजिए ये फ्राई कटलेट दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गई है, मतलब तल गई है। अभी देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। तब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने निकाल लिया है। अब बाकी जो बचे हुए कटलेट है उसे भी मैं बना लूंगी। तो लीजिए ये हमारा पोहा कटलेट तैयार है। खाइए और खिलाइए। के बाय बाय।